नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक छोटे से रुमाल का यूज करते हुए एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक बहुत ही प्यारी छोटी सी केप बनाई थी, जो बहुत ही प्यारी बनी थी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। तो वैसा ही मैंने एक और रुमाल लिया है और उससे मैं छोटे बेबी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे से मूड्स बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इस प्रकार मूड्स बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये रुमाल का, जो बहुत ही प्यारा रहता है छोटे बच्चों के लिए। तो अब हमें क्या करना है, देखिए, रुमाल को इस प्रकार फोल्ड कर देना है डबल और बीच में से इसको कट कर देना है, देखिए इस प्रकार। तो रुमाल की कटिंग हमने कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए, एक पीस को इस प्रकार फोल्ड करना है और जो एक साइड में खुला हुआ भाग है, देखिए इस प्रकार, इधर से तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाना है, देखिए इस प्रकार। और इस निशान को इस प्रकार गोलाई देते हुए मिला देना है और यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर देनी है, देखिए इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार कटिंग मैंने कर दी है। अब इस कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रखते हुए दूसरे कपड़े की भी हमें इसी साइज में कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोनों तरफ हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए कटिंग मैंने कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए, उल्टी साइड में इस प्रकार थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसी प्रकार दूसरे कपड़े पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों कपड़ों पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें लेना है एक इलास्टिक, जो हम बहुत ही पतला वाला सॉफ्ट वाला इलास्टिक आता है और जिसे हम मास्क बनाने में यूज लेते थे, वही इलास्टिक है ये। तो हम 2 पीस कट करेंगे 4.5 इंच के। तो 4.5 4.5 इंच के दोनों इलास्टिक मैंने कट कर दिए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे, तो सेफ्टी पिन की सहायता से इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे, देखिए इस प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ पर अंदर मैंने डाल दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे ताकि निकले नहीं। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है इलास्टिक को। और इसी प्रकार दूसरे वाले पीस पर भी हमें ये इलास्टिक डाल देना है। तो देखिए दोनों पीस पर मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब देखिए उल्टी साइड बाहर रखते हुए यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े कोनों की कटिंग करनी होगी, मतलब गोलाई देनी होगी। देखिए यहाँ पर पीछे की साइड में भी, और थोड़ी बहुत गोलाई हम सिलाई में ले लेंगे। तो देखिए इस प्रकार सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार गोलाई देते हुए ऊपर तक हमें सिलाई ले जानी है, देखिए इस प्रकार। और जो भी हम गोलाई दे रहे हैं उस कपड़े की कटिंग बाद में कर देंगे, देखिए इस प्रकार। तो इधर भी हम इलास्टिक वाले पार्ट को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें गोलाई देकर सिलाई लगानी है। इसी प्रकार दूसरे वाले पीस पर भी हमें सिलाई लगानी है। और देखिए जो ये किनारी वाला पार्ट है इसको भी कट करके निकाल देंगे ताकि अंदर बेबी को कोई भी चुभने वाला कपड़ा नहीं हो। तो देखिए दोनों की सिलाई हो गई है, कपड़े की कटिंग भी हो गई है। अब इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए सीधा करने के बाद में हमारे बूट बनकर तैयार हो गए हैं, मोजे भी बोल सकते हो इनको। तो छोटे बेबी के लिए बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे से मोजे बन गए हैं। और इसी प्रकार मैंने पहले एक केप भी बनाई थी छोटे बच्चे के लिए, जो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए
इस प्रकार से आप छोटे छोटे कपड़े बनाकर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। अगर आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा जन्मा है तो देखिए छोटी सी केप, छोटे से जूते। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय बाय।